राष्ट्रीय राजमार्ग 248 को चार मार्गीय बनाने की मांग को लेकर मेवात जिले के सैकड़ों लोगों ने बुधवार को जिले की राजधानी कहलाने वाली बड़कली चौक से जिला मुख्यालय नुहू शहर तक तकरीबन 20 किलोमीटर की पद यात्रा कर लघु सचिवालय नुहू पहुंचकर उपायुक्त अजय कुमार के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन भेजकर सड़क को जल्द से जल्द चार मार्गीय बनाने की मांग की है। इसके अलावा नूह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने पैदल मार्च कर रहे युवाओं को मढ़ी गांव के समीप खूनी रोड पर समर्थन दिया और भाजपा जचपा गठबंधन सरकार को घेरा। इसके अलावा प्रोचपुर झिरका विधायक मामन खान इंजीनियर ने खूनी रोड को चौड़ीकरण को लेकर युवाओं को समर्थन दिया है। आपको बता दें कि मेवात जिले के लोग इस मार्ग को जिला मुख्यालय नुहू शहर से राजस्थान की सीमा तक सड़क के चौड़ीकरण की मांग को लेकर भीषण गर्मी, धूल भरी आंधी व तपती सड़क की परवाह किए बगैर 20 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकल गए। कई घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद पैरों में छाले हो गए और हलक सूख गया, लेकिन दिन रात हो रहे सड़क हादसों में जान गंवाने वाले परिवारों के दुख दर्द को देखते हुए अपनी बात जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया। बता दें, आज के समय में जब 1 किलोमीटर भी ऐसे मौसम में पैदल चलना दुर्भर है, तो ऐसे हालात में भी दुखी मेवात के लोगों ने 20 किलोमीटर की पद यात्रा करीब 7 घंटे में पूरी कर ली। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 248 से जिले का सबसे बिजी मार्ग है। ये लगभग 28 किलोमीटर का रास्ता है और इसी दिन आज के दिन ही पिछले वर्ष 2021 को 30 मार्च को भी बड़कली से लेकर नुहू तक पैदल मार्च किया था। ये 248 है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। सरकार ने 2008 में भी इसको चार लाइन करने का वादा किया था। उस वक्त केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी जी आए थे और उन्होंने इसे चार लेन करने का वादा किया था, लेकिन 2008 से लेकर 2022 आज 2022 तक लगभग 2000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और लगभग 3000 के आसपास आदमी इस रोड के पर एक्सीडेंट से अपाहिज हो चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। कई बार सरकार ने ये घोषणा की है कि 297 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर हो गए हैं, एक बार ये हुआ कि 187 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, लेकिन सारी बातें कागजी रही और आज तक इस पर काम चालू नहीं हुआ। सरकार सुन नहीं रही है, सड़क से लेकर विधानसभा तक आवाज़ें उठ रही हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उदासीन और उपेक्षा का रवैया अपना रखा है, जिससे दुखी होकर आज फिर यहाँ की जनता ने पैदल मार्च जो है शुरू किया है, जिसमें नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और महिलाएं भी हैं। इस मार्ग पर वाहनों की संख्या अधिक है, लेकिन सड़क उसके हिसाब से उतनी चौड़ी नहीं है। इसी वजह से इस सड़क पर रोजाना तकरीबन 2 लोगों की मौत हो जाती है। इस सड़क को लेकर लगातार बढ़ रहे हादसों की वजह से पिछले कई सालों से लोगों ने खूनी सड़क का नाम दिया है। सड़क पर बनी पुलिया पर खूनी सड़क पेंटिंग से लिखाया भी है। जिले के लोग लगातार इस मांग को उठाते आ रहे हैं। बीते साल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिले की राजधानी बड़कली चौक पर हुई जनसभा में नुहू शहर से राजस्थान सीमा तक इस मार्ग को चार मार्गीय बनाने का ऐलान भी किया था, लेकिन इस पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। साल भर में इस सड़क पर तकरीबन 700 से अधिक लोगों की जान जा रही हैं। इन लगातार बढ़ते हादसों से चिंतित समाजसेवियों ने इस मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए पद यात्रा का फैसला लिया, जिससे खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी अंजाम तक पहुंचाया गया। अब देखना यह है कि राज्य सरकार मेवातियों की इस मांग पर कब तक गंभीर दिखाई देती है। बता दें, मेवात के एक समाजसेवियों ने बताया कि 2000 से ज़्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। बता दें, इस गिनती से भी ज़्यादा अभागे लोगों को अपाहिज करने वाले इस खूनी रोड को चार लेन कराने के लिए गत वर्ष 30 मार्च 2021 को भी बड़कली चौक से नुहू तक पैदल मार्च किया था और इसके बाद लगातार उठ रही चीख पुकारों को भी अनदेखा किया गया। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट।
कहूँगा ये मेवात की एक जीवन रेखा है और जिस तरीके से इसका नामकरण हो गया है 248 ए ना होके खूनी रोड की तरह नामकरण हो गया, आप समझ सकते हो। हर रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं जाता हो कि जिसमें हमारे बेगुनाह, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बच्चे हों, यहाँ जो एक्सीडेंट में, हादसे में नहीं अपनी जान गंवाते। हमने जब से 2.5 साल से लगातार मैं और मेरे दोनों विधायक साथियों ने हमेशा इस बात की गंभीरता को बहुत सरकार के सामने, विधानसभा में, सड़कों पे, उसमें हमने पूरी तरीके से इसको उठाया है। लेकिन सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद में नहीं है, अभी तो इसकी DPR जो है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे ही काम चल रहा है। कभी NHAI के जो है कि उसके सपुर्द है ये रोड, उसका बहाना लेते, कोई स्पष्ट जो है सरकार की नीति नहीं है। ये जो है इस मांग को हमारी को, जैसे आज नौजवान ये उतरे हैं, मैं इनका बहुत बड़ा इनका हौसला मानता हूँ, इनका संघर्ष मानता हूँ कि तपती गर्मी में 41 डिग्री टेम्परेचर में ये 20 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने निकाली है। हमने आज उसमें शामिल होकर अपना समर्थन दिया और हम पूर्ण जोर इस सरकार से मांग करते हैं कि या तो आप इसको पूरा कर दीजिए, नहीं तो आज ये नौजवान है, पूरा मेवात इसके लिए संघर्ष करेगा और इस सड़क को बनवाने का काम करेगा, क्योंकि ये हमने जैसे कहा एक खूनी सड़क हो गई है। हम अपने नौजवानों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने आदमियों को और नहीं गुंजाइश कि हम खो सकें, इसलिए सरकार तुरंत इस पे 4 लेनिंग का काम शुरू करे। और ये काम रोकने का काम किया इन्होंने पिछले 8 सालों में, मेवात विरोधी एक मानसिकता दर्शाती है जिसको सरकार पूरा करे। ये हमारा हक है, हम इस हक को ले कर रहेंगे, हमारा अधिकार है, ले कर रहेंगे और संघर्ष में शाना परशाना हम अपने सभी साथियों के साथ हैं और रहेंगे। कि ये 4 लाइन खूनी रोड जो है ये बना नहीं है, पिछले 1 साल से इसका जो है कि बजट पास कर दिया गया, बस इसको बनाया नहीं गया है। ये सरकार जो हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है मेवात के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम सक्रिय संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है। सरकार यहाँ पे आके तरह तरीके के दावे तो ठोक कर जाती है पर यहाँ पे काम नहीं करके जाती है। क्या मेवात इतना पिछड़ा सरकार ने हर तरीके की बना दिया है कि हम लोग किसी लायक, हमें किसी लायक नहीं समझती है सरकार, ऐसा क्यों है मैं पूछना चाहूँगी। और जो भाई हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ तो भाई देखो लावणी चल रही हैं, कुछों के घरों में काम चल रहे हैं, कुछ वैसे अपनी जॉब वगैरह के लिए, पर जितने साथी आए हैं उनके हौसला मैं हौसला अफजाई करती हूँ और बुलंद करती हूँ, उनके हौसले को सलाम करती हूँ कि हम लोगों ने अभी तक 12-13 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और अगर हमें जाना पड़ा तो हम चंडीगढ़ तक पैदल जाएंगे और हम सरकार को दिखा देंगे कि हम लोग पीछे नहीं हैं संघर्ष करने में। पर सरकार भी हमारी तवज्जो करे और हम पर ध्यान दे मेवात वासियों पर, क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा तवज्जो मेवात वाले ही देते हैं। जी, DC को ज्ञापन दिया जाएगा और बड़कली चौक से लेकर नूह तक ये हो रहा है। कितनी गर्मी पड़ रही है, कैसे हालात? गर्मी तो देखिए बहुत है और कुछ लोग नंगे पैर भी आ रहे हैं और अपने संघर्ष को जारी रख रहे हैं। बहुत नौजवान साथी, बुज़ुर्ग भी हैं हमारे साथ में, बहुत सारे जुड़े हुए हैं, वह हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। देखिए अब सरकार को हमारे साइड देखना चाहिए और मैं आग्रह करती हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रज़िया बानो CM खट्टर से, मनोहर लाल खट्टर जी से आग्रह करती हूँ कि हमारी सुनवाई हो और इसको 4 लेन किया जाए। जनाब, हम सब लोगों को इस ये खूनी रोड जो 248 ए NH है, नेशनल हाईवे है, इसको 4 लेन करवाने के लिए हम लोग सालों से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष भी इसलिए है कि इस रोड पर पिछले 3 साल में 1800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 से ज़्यादा लोग अपाहिज हो चुके हैं। और सरकार को बार बार कहने के बाद, लिखने के बाद, विधानसभा में आवाज़ उठवाने के बाद और पिछले साल 30 मार्च को ही पैदल मार्च करने के बाद भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। सरकार मेवात के साथ भेदभाव कर रही है। ये रोड पहले 1980 तक ये नेशनल हाईवे हुआ करता था, जिसे इसके पावर को कम करके स्टेट हाईवे बनाया गया। पिछले दिनों के संघर्ष के बाद इसे NH तो बनाया गया, नेशनल हाईवे, लेकिन इसको 4 लेन करने के लिए हम लोग यहाँ से लेकर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको 4 लाइन बनाने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी है, जबकि हर महीने दर्जनों लोग इस पे मरते हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग अपाहिज होते हैं। इसलिए हम लोगों को पैदल चलते हुए और ख़ास तौर से मुझे आज बिना चप्पल और जूते के मैं इस यात्रा में नेतृत्व कर रहा हूँ साथियों का,
ताकि सरकार को ये महसूस हो सके कि ये लोग मेवात के लोग बहुत दुखी हैं और अपने नौजवानों बूढ़ों और बेटियों की शहादत को और न बढ़ सके, इसके लिए ये रोड पे उतर करके आज संघर्ष कर रहे हैं। उनका दिल पसीज है, वो भी इंसान है, इसलिए हमारा ये संघर्ष है कि शायद हमारे इस संघर्ष को देख करके उनको कुछ दया भी आए और उन्हें मोहब्बत आए और इस मेवात पिछड़े इलाके के भी इस रोड को वो 248A को फोर लाइन का कर सकें। अजीज अख्तर एडवोकेट, देखिए पिछले वर्ष भी हम लोगों ने पैदल मार्च किया था, लेकिन सरकार का उपेक्षापूर्ण और उदासीन रवैया को देखते हुए मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि पिछले साल से अब तक सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, कई बार इतनी भयानक मौतें हुई हैं कि बच्चे कोई लावारिस हो रहा है, कोई विधवा हो रही है, तो सरकार जो है अभी तक हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। और हम सरकार से मांग करते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, क्योंकि उन्होंने जब 2008 में अड़बर चौक पे वो उद्घाटन किया था उस सड़क के लिए, उसमें भी फोर लेन का जिक्र है, लेकिन सरकार का जो उदासीन रवैया है उसकी उपेक्षा का हम शिकार हो रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द जो है इस पर कार्रवाई